अस्सलाम वालेकुम, आई एम उंसा शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उंसा शाह ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीक की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है वैसे तो सबके लिए, लेकिन लियो वालों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है वीक। मैं आपको कुछ प्लैनेट्स की खास ट्रांजिशन बताऊंगी और इसके साथ साथ इस वीक के वज़ायफ भी बताऊंगी। ये सदकात भी आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक होंगे और इस हफ्ते और जो आपका स्टोन है, लकी स्टोन है, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी ताकि आप अपने स्टार के मुताबिक, अपने जोडियक के मुताबिक, अपने सन साइन के मुताबिक अपने जो है स्टोन जो है वो बेयर कर सकें। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। लियो यानी कि बुर्ज असद वालों की इस हफ्ते प्लैनेट्स जो हैं, आपके मून जो है वो ट्रांजिट कर रहा है सेजिटेरियस में और उसके साथ विनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है एरीज में। मून और विनस जो है उसके साथ साथ एक और, वैसे तो दो हर हफ्ते प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं लेकिन उसके साथ साथ एक तीसरा प्लैनेट भी जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, वो है मरकरी। तो मून और मरकरी की वजह से आपकी इस हफ्ते काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, एक्टिव रहेंगे और अपने काम में भी आपका दिल रहेगा, फोकस भी रहेगा और जो भी फाइनेंशियल मामलात थे, जो कारोबारी मामलात थे, जो कुछ लोगों के केसेस चल रहे थे, सारे जो पेंडिंग वाले या चीज़ें डिले हो रही थी, चीज़ें जो बहुत स्लो उसमें चल रही थी, स्लो एंड स्टडी स्पीड में चल रही थी, तो इस हफ्ते जो है लियो वालों का वीक जो है बहुत ज़बरदस्त और एनर्जेटिक चलेगा। चीज़ें अपने वक्त पर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं और उसके साथ जैसे रिलेशनशिप के जिनके इश्यूज चल रहे थे या शादी का मसला था तो भी इन प्लैनेट्स की वजह से उनके शादी के इश्यूज खासकर जो हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको मिस गाइड करें या आपको जो है आपकी जो डायरेक्शन है उससे हटाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आपने उन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उनके उनको थोड़ा सा जो है इतना ज़्यादा उनकी बातों में आना नहीं है, अदरवाइज आपका अपना नुकसान होगा। चाहे आपके घर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके कारोबार में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है कोई ऐसा लॉस भी आपके हो सकता है, तो ऐसे लोगों से ज़रा केयरफुल रहिएगा। लवर्स का कार्ड है, रिश्ते आ सकते हैं, ऑप्शंस हो सकती हैं, चॉइसेस मिल सकती हैं आपके उसको आपको चाहे रिलेशनशिप में चाहे रिश्तों में और इसके साथ साथ करियर में भी चॉइसेस आ सकती हैं लियो वालों के लिए। और दूसरा कोई भी फैसला करना है वो आपने दिमाग से सोचना है, प्लान करके और उसके बाद जो है आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लियो आप लोग वाइट पर्ल भी पहन सकते हैं और रूबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक स्टोन आप वेयर कर सकते हैं। और ये स्टोन जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हीलिंग पावर्स होती हैं, इनमें हीलिंग एनर्जीज होती हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस लेकर आती है, जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत इम्प्रूव हो जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती हैं। और इसके अलावा आपकी लाइफ में जो चीज़ें स्टक हो रही हैं, स्टेगनेंट हैं, उन इन चीज़ों से, इन स्टोन की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। इनमें एक पॉजिटिव पावर्स, अल्लाह ने कुदरती तौर पर ऐसी एनर्जीज रखी हैं जिनकी वजह से चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर होती हैं। 100% का कोई दावा नहीं कर सकता,
लेकिन 70-80% जो है आपके प्रॉब्लम्स इनसे सॉल्व ज़रूर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर बेयर किया करें। और उसके साथ आपने इस हफ्ते पढ़ना है अवल आखिर दुरूद पाक के साथ 7 times, यानी कि 7 मरतबा सूरह शम्स पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। उसके साथ आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर देना है, चावल आटा हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गई, कोई भी आप इनमें से कोई भी एक चीज़ या जितना भी आप देना चाहते हैं ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सफ़ेद चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि ये इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज़ का सदका दें, इस चीज़ का ये वाला वजीफ़ा पढ़ें, ये आपके चार्ट और आपके एक कैलकुलेशंस जब पूरे वीक की हो रही होती हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें मैं आपको गाइड करती हूँ, ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा मिले, इससे जो है आपकी लाइफ में अच्छी चेंजेस आए। तो इनको ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग करवानी है, पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी है, किसी भी तरह की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ और चेंजेस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।